सो फाइनली दोस्तों, सुबह का काम धाम निपट चुका है और जा चुके हैं बच्चे स्कूल। और चलिए अब बातें कुछ और करते हैं। और इस कैमरे को पहले मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। और एक्चुअली आज 15 फरवरी, तो सोचा आपसे एक बात शेयर करूं कि मुझे वैलेंटाइन डे पे क्या गिफ्ट मिला था। फर्स्ट मेरा वैलेंटाइन डे जब हुआ था, और फर्स्ट मतलब शादी से सगाई के बाद मुझे क्या गिफ्ट मिला था हमारे सूबेदार, आपके भैजी, आपके मतलब दोस्त, काफी दोस्त हैं उनके जो उन्हें चाहते हैं कि वो वीडियो में आए, लेकिन भैजी बिजी रहते हैं, आपको पता है, टांग खींचते हैं आप उनके, मुझे पता है। और आएंगे आएंगे, जब छुट्टी में रहेंगे तो अच्छे से आएंगे, फिलहाल अभी तो आपको भी पता है। तो हमारा जो सुबदार साहब जी, उनके अध्याय मतलब पहलवे माँ वैलेंटाइन डे माँ, तो बहुत ही वो था। स्टोरी जो है, पता नहीं आपको समझ में आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ, तो शेयर कर रही हूँ मैं। तो दोस्तों, बात है जब मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में थी। हाँ, बीकॉम फर्स्ट ईयर में मैं थी, और मैं कॉलेज जाती थी। ऑब्वियसली कॉलेज तो जाऊंगी मैं, और ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही बताऊंगी अभी जल्दी में। काफ़ी मेरे मित्र हैं जो बोलते हैं कि अपने आप दोनों कैसे मिले, वो स्टोरी भी हमको बताना, जो होता है लव स्टोरी वाला। लव स्टोरी तो ऐसे खैर है नहीं कोई, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि आप लोग कैसे मिले तो बताना। और मतलब जो भी पहले की मेमोरीज हैं हम लोगों के साथ शेयर करना, तो ज़रूर मैं। वैसे मज़ा तब आता है जब ये वाला भी, जब मैं शेयर कर रही हूँ तो मतलब सामने हमारा लाइफ पार्टनर भी हो तो और मज़ा आता है, और गिरीश जी भी हो साथ में तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ज़रूर उस पे वीडियो तभी बन पाएगी जब भैजी तुम्हारा, जब राला फुर्सतम राला, तो तब वे उस टाइम पे बनाएंगे अच्छी सी फुर्सत वाली वीडियो। तो अभी फिलहाल ऐसे ही सुन लेते हैं। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी कि मुझे पहला गिफ्ट क्या मिला था। और उसमें भी होती है ना सहेलियाँ, टांग खींचने वाली तो होती है सहेलियाँ, अच्छा भी होता है टांग खींचने वाली। तो थी मेरी सहेलियाँ कुछ, जिन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत वो किया था, अरे यार तुझे ये गिफ्ट मिला, तुझे ये गिफ्ट मिला, और ये वो। तो बात ये है कि मैं थी कॉलेज में, मैंने बता दिया, तो अभी बैठ जाती हूँ पहले मैं कहीं पे। तो मैं थी कॉलेज में, बीकॉम फर्स्ट ईयर था मेरा, तो कॉलेज जाते थे हम, और ये थे देहरादून में पोस्टेड थे उस टाइम पे, तो छुट्टी का कोई विचार नहीं था। और मुझे भी इतना वो नहीं था, मतलब वैलेंटाइन डे की ये आएंगे या कुछ इस तरीके से, मतलब उस टाइम पे इतना मुझे नहीं था क्रेज, मतलब क्योंकि क्रेज इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि ये थे छुट्टी पे, तो थे नहीं कि या छुट्टी आने वाले हों, और इनको सरप्राइज देने की बहुत आदत है अभी तक। तो ये थे देहरादून में, तो वैलेंटाइन डे आया जनाब। तो मैं जनरली जैसे मैं जाती हूँ अपनी सहेलियों के साथ, तो पैदल ही हम आते जाते थे, और हम जा रहे थे ऐसी, मतलब कॉलेज, हाँ फिनिश हो गया था कॉलेज, मैं घर के लिए आ रही थी। हाँ घर के लिए मैं आ रही थी, तो बीच रास्ते में भाई साहब की एंट्री हुई, आपके भाई साहब की एंट्री हुई। तो मैं देख के सरप्राइज हो गई पहले तो, और देखा मैंने तो मैंने कहा अरे यार ऐसे सरप्राइज बता तो देते पहले ही ये वो। तो बोला कि अरे अपने ही पता नहीं रहता फौज में कि कब कुछ
होता है, जैसे अब उस टाइम पे क्या पता कट वट पता नहीं क्या क्या फटाफट होता है इनका, तो वो करके आए होंगे। तो देहरादून से बाइक में आए हम, बाइक में आए। और मतलब मुझे बहुत खुशी भी हो रही थी कि यार मेरे लिए बंदा बाइक में आया है इतना ट्रैवल करके, होता है ना थोड़ा अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मैंने कहा यार मानना पड़ेगा बंदे को। तो भाई मुझे पकड़ाया, गिफ्ट रैप हो रखा था वो। और ऐसी हमारी बात वहीं पे हुई हमारी बात। फिर हम सुबह, मतलब दिन का टाइम था, पता नहीं शाम का, मुझे थोड़ा हल्का हल्का सा याद नहीं आ रहा कि शाम को मिले थे कि नहीं मिले थे। और मिलते थे, घर वाले इतने परेशान थे उस टाइम पे यार, सबके होते होंगे पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा 1 साल का गैप हो गया था सगाई के बाद, तो घर वाले, ये इनको सुबह भी मिलना होता था, शाम को भी मिलना होता था, तो घर वाले हमारे बहुत परेशान हो गए थे कि कब इनकी शादी होगी। तो और कॉलेज में मुझे डर लगता था मिलने में, मतलब कॉलेज में जब ये आते थे कॉलेज, मतलब कभी मेरे जैसे नहीं रहता था जाने का, रोज रोज नहीं जाती थी मैं, तो बहाना बनाती थी कि जाना है कॉलेज ये है, तो मतलब ऐसा सीन था घर से भी मेरे। तो उसमें कभी डिटेल में बताएंगे, है ना। तो ये हाँ, मैं घर आ गई, फिर मैंने देखा खोल के, फटाफट खोल के देखा मैंने। और मेरी सहेलिया को जब मैंने बताया कि ये आए, मतलब आए हैं और ऐसे ऐसे, तो वो भी बड़े एक्साइटेड थे देखने के लिए। तो एक तो घर ही आ गई थी क्योंकि बगल में था उसका घर, तो वो तो घर ही आ गई थी जब उसने सुना। तो खोला हम लोगों ने, तो उसमें ना वो वाली पिक्चर देखी आपने, तुमको देख, अरे वो नहीं है दीपिका पादुकोण की और शाहरुख खान की, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। तो उसमें वो जो स्टैचू होता है जो गोल कांच के अंदर घूमते रहते हैं दोनों के दोनों कपल, एक कोट में और गाउन में वाइट कलर के, और जूड़ा बनाया होता है, तो वही था। और उसमें मतलब लव वव लिखा हुआ था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब अब अपनी अपनी थिंकिंग है कि इमेजिन क्या था वो, हम दोनों हैं और हम दोनों ऐसे हैं प्यार से पोज दे रहे हैं, और मतलब जो भी मैंने सोचा, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। लेकिन जो मेरी सहेलियां थी उनको तो चाहिए था कुछ और, तो कह रही यार। और हाँ उसमें लेटर भी था, या लेटर नहीं कार्ड था, कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड रहता था उस टाइम पे, तो ग्रीटिंग कार्ड का बड़ा क्रेज था। तो मेरी सहेली, अरे यार देहरादून से आया और ये दिया तुझे। मैंने कहा तू क्या देता, तो कह रहे कि अरे यार आजकल तो मतलब जैसे सोना चांदी डायमंड वगैरह, तो मतलब इस चीज का उन्होंने मेरे को इतना चिढ़ाया, लेकिन जो फीलिंग थी उस गिफ्ट में, गिफ्ट चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उसका कोई मोल नहीं रहता, लेकिन उस टाइम पे जो वो गिफ्ट था उसको मैं आज दिन तक नहीं भूली हूँ। तो सोना चांदी तो यार होता ही रहता है, ये तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। और लेकिन जो उस में जो फील था, जो समझ रहे ना आप, मतलब उसमें फील था कि हम ऐसे हैं उसमें, मतलब गिरीश ने कोट पहना हुआ है और मैंने गाउन पहना हुआ वाइट कलर का, और हम दोनों ऐसे बिल्कुल तैयार व्यार होकर, और दोनों के दोनों ने एक दूसरे को ऐसे पकड़ा हुआ है। और मतलब वो दिया था और मुझे आज दिन तक याद है। तो बस यार यही था मेरा वैलेंटाइन डे का पहला गिफ्ट, और आई होप कि आपने मेरी बकवास सुनी और थोड़ी सी समझ में आई होगी या नहीं आई होगी, आई डोंट नो। लेकिन मैंने इसको बोला, आप लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। और चलो अब मैं थोड़ा काम धाम करती हूँ दोस्तों, और आप भी काम धाम करिए, और मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।